हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरव्यू के दिन कौन से कपड़े पहने और किस तरीके से तैयार होके जाए, यानी कि इंटरव्यू डे ग्रूमिंग। तो सबसे पहले बाल है वो ठीक तरह से संवार के आप जाए, जैसे कि अगर आप कोई स्टाइलिश हेयर स्टाइल रखते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी बाल है बिल्कुल पार्टिंग लेफ्ट और राइट में होनी चाहिए और जेल या ऑयल लगा के आप बाल को बिल्कुल ठीक करें, इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अगर स्पाइकी है तो उसको बिठा दीजिए और बिल्कुल चारों तरफ से अपने बाल ठीक कीजिए और दबा के रखिए। दूसरा पॉइंट है ये कि जूते तो ज़्यादातर ब्लैक और ब्राउन, और वो भी पार्टी शूज़ यानी कि लेदर शूज़ है जिसपे आप पॉलिश कर सकते हो। और अभी तो नई जो कंपनी है वो स्पोर्ट्स शूज़ में भी ऐसे शूज़ निकाल रही है जिसमें लेदर नहीं होता, पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो दूर से फॉर्मल शूज़ लगते हैं। तो ब्लैक और ब्राउन शूज़ ठीक है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो इसलिए जब आप इंटरव्यू में जाते तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके रेज्यूमे यानी कि CV, उसके बेस आपको सिलेक्ट किया जाता है, बाद में आप इंटरव्यू कैसे देते हो, कैसे आंसर देते हो, लेकिन कौन से कपड़े पहनकर जाए जिससे जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छी दिखे। और मेन चीज़ है वो कपड़े यानी कि शर्ट और पैंट। तो शर्ट में आप पहन सकते हैं हाफ स्लीव, फुल स्लीव, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन डार्क प्लेन और लाइट प्लेन, दूसरे है चेक्स वाली शर्ट, और ऐसे जैसे कि इंग्लिश कलर्स है ज़्यादा रेड, पिंक और ग्रीन ऐसा मत पहनिए। और ज़्यादातर अगर आपका जो शर्ट है थोड़ा डार्क है तो आप पैंट से उसको लाइट रखिए, और शर्ट है वो लाइट है तो पैंट्स को डार्क रखिए, तो कंट्रास्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो पैंट्स है वो आप फॉर्मल फैब्रिक है वो आप पहन सकते हो, या आपको पहनना चाहिए कॉटन जीन्स, और ऐसा जो जीन्स ब्लू है और बहुत ही जो थिक फैब्रिक का जीन्स आता है पर्टिकुलर टिपिकल जीन्स, वो आप मत पहनिए, जो फॉर्मल दिखे वही पहनिए। अगर आपकी इम्प्रेशन अच्छी है तो 50% काम आसान हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ गुड, सो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। दूसरी चीज़ है, आपको एक पेन है वो रखनी चाहिए यहाँ पे, या पॉकेट है तो पॉकेट पे आप अटैच कीजिए, क्योंकि एक पेन होती है तो आपकी पर्सनालिटी एक छोटी सी पेन की वजह से बहुत ही अच्छी और बिल्कुल फॉर्मल लगती है। नेक्स्ट चीज़ है वो है बेल्ट। बेल्ट ब्राउन या ब्लैक आप पहन सकते हैं, और वो भी फैंसी नहीं, बिल्कुल फॉर्मल। नेक्स्ट चीज़ है वो स्प्रे, आप थोड़ा अच्छा सा स्प्रे जो लाइट स्प्रे है वो आप कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में जाते हैं कहीं पे भी, और आप देखिए इंडिया में तो ज़्यादातर गर्मी होती है, तो उसकी वजह से अगर आपको रास्ते में पसीना हुआ, और कई लोगों के जो पसीने हैं वो बहुत ही बदबू फैलाते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू में बैठे और जो इंटरव्यूअर्स को आपकी जो बदबू है उसकी वजह से परेशानी हुई, तो हो सकता है वो बहुत ही स्पीड में इंटरव्यू ले, या नेगेटिव इम्प्रेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो आप अच्छा सा स्प्रे लगा के जाइए, और हो सके तो स्प्रे अपने पास रखिए, क्योंकि कई स्प्रे होते हैं जिनकी जो खुशबू है कुछ घंटे के बाद चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रेथ स्प्रे, यानी कि जो सांस है उसकी दुर्गंध है उसको मिटाने के लिए आपको मुँह में स्प्रे करना है। हो सके तो छोटी सी बॉटल आती है वो आप अपने पॉकेट में रखिए, और जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा आप जैसे एंटर होंगे उसके कुछ मिनट पहले आप 2-3 बार स्प्रे कीजिए अपने मुंह में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे ऐसे करके अपनी जो दुर्गंध है मुंह की वो चेक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है खुद को अपनी जो गंध है नहीं आती, दूसरों को आती है। तो आप अच्छी तरह से अपने मुँह में 2-3 बार स्प्रे कीजिए इंटरव्यू के कुछ मिनट पहले। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स आपको अपने पास बिठाता है जो बाजू वाली चेयर में, और बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हो, तो ऑब्वियसली अगर आपके मुंह में से कोई बांस आ रही है तो उसको भी आएगी, सो दैट माइट क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन, सो बी केयरफुल। जैसे कुछ लोग इंटरव्यू में जाते हैं प्लास्टिक की बैग लेके, और सारे जो पेपर से वो फोल्डर या बैग में रख के ऐसे आवाज़ करते हैं और ऐसे ढूंढते हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो अच्छी तरह से एक फाइल है वो खरीदिए, और उसमें प्रोटेक्शन रहेगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके फाइल के अंदर सभी अलग अलग फोल्डर्स है तो अगर आपको दिखाना है डॉक्यूमेंट तो आप इजीली दिखा सकते हो, और फाइल की वजह से आपकी जो इम्प्रेशन है बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप चश्मे को पहन के रखिए इंटरव्यू के समय,
वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि अगर कोई भी आदमी बिना चश्मे में और जो दिखता है वही आदमी चश्मा पहन ले तो वो ज़्यादा स्कॉलर दिखता है सिंपली। में और जो एक वीडियो है मेरा कि बेस्ट सीवी रेज्यूमे यानी कि जो बायोडाटा है जॉब के लिए कैसे बनाते हैं वो आप देखिए, ऑलरेडी 29,000 व्यूज़ उस पर हो चुके हैं। जॉब ओ इंटरव्यू, करियर प्रिपरेशन, पर्सनालिटी और उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे कुछ सजेशन दें। अगर मुझे कोई नया वीडियो बनाना है तो मैं आपके ही कमेंट्स पढ़ के बना सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगला वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू में कैसे एंटर होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। हाँ, एक बात याद रखिए, इंटरव्यू के समय अगर आप बाहर बैठे हो वेटिंग रूम में तो ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, मोबाइल फ़ोन का उसको अवॉइड कीजिए और नॉर्मली डिसिप्लिन में बैठे, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी होते हैं और इंटरव्यूज़ आपको बुलाने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सीसीटीवी में चेक कर सकते हैं। ओके, सो गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।